हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एसएससी के बच्चों का बचा है ज्योग्राफी का पेपर, तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों के लिए भी ये ज्योग्राफी के भी लेसन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप लोगों के डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है ज्योग्राफी का लेसन 1, फील्ड विजिट। तो क्या है भाई फील्ड विजिट में देखते हैं हम लोग। राहुल इज गोइंग ऑन अ फील्ड विजिट विथ हिज क्लासमेट्स एंड स्कूल टीचर्स फ्रॉम नालदुर्ग इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट टू अलीबाग इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो राहुल जो था वो उसके स्कूल के क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स लोग के साथ में फील्ड विजिट के लिए जा रहा था। द स्कूल हैज एंगेज्ड अ स्पेशल बस फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर दिस पर्पस। और स्कूल ने एक बस किया हुआ था, स्पेशल बस बच्चों को ले जाने के लिए और लाने के लिए। मैं नॉर्मली आप लोग जब पिकनिक में वगैरह जाते हैं तो स्कूल ही सब बस वगैरह अरेंज करते हैं ना आप लोग के लिए, तो वही है मेथड सेम। राहुल एंड हीज क्लासमेट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस विजिट अंडर देयर टीचर्स गाइडेंस। अभी इन लोगों ने ये जो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था किसके गाइडेंस के अंडर? टीचर्स के गाइडेंस के अंडर। लेट्स फाइंड आउट हाउ द स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस ऑकरिंग इन द रिलीफ सॉइल वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स एज दे ट्रेवल फ्रॉम नालदुर्ग टू अलीबाग। अभी जब ये लोग नालदुर्ग से अलीबाग में ट्रैवल करेंगे तो उन लोगों को कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी जैसे मैं जाती हूँ ना कभी हमारे गांव की ओर, तो वहाँ पर की जो मिट्टी होती है ना वो बहुत रेड होती है और यहाँ की मिट्टी का कलर अलग होता है। इसे कुछ कुछ जो हम लोगों को नई नई चीज़ें हैं वो ट्रैवल के समय में देखने मिलती है। सो गो थ्रू द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में आप लोग बातचीत कीजिएगा टीचर्स और स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी ये इधर लोगों ने मैप दिया हुआ है। द रूट ऑफ फील्ड विजिट, तो ये है उनका रूट नालदुर्ग से अलीबाग तक, नालदुर्ग टू अलीबाग। नालदुर्ग से वो लोग की गाड़ी कैसे कैसे जाने वाली है, ये है उसका रूट, ठीक है। बिसाइड्स पर्सनल लगेज एंड आई कार्ड्स स्टूडेंट्स आर कैरीइंग द फॉलोइंग आइटम्स विथ देम। अभी लगेज और आई कार्ड के साथ साथ और क्या क्या बच्चे लेने वाले हैं? देखो ये है दूरबीन, कैमरा है क्या ये? हाँ कैमरा ही है। कैप ये है, कंपास ये है, मेडिकल किट, एक फाइल या डायरी, पेन पेंसिल, बॉटल, बैग ये भी, और ये एक मैप वो भी कैरी करना है आपको। डिस्कस इफ यू वेयर अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड विजिट फॉर प्रिपेरेशन वुड यू मेक। अभी ये जो फील्ड विजिट है ना इसमें आप लोगों को अगर एसएससी में सवाल आएगा तो कॉमन सेंस के सवाल आएंगे इसमें, तो आपको आपके दिमाग से आंसर लिखने पड़ेंगे। सपोज टीचर्स आस्क यू टू प्लान द विजिट, हाउ विल यू प्लान द डिटेल्स ऑफ द ट्रिप। अगर आप लोगों को कहा गया, ये आ सकता है एग्जाम में, आप लोगों को कहा गया कि एक प्लान बनाओ ट्रिप जाने के लिए, तो आप किस तरह से प्लान बनाओगे? तो कैसे प्लान बनाओगे आप लोग, कितने जन जा सकते हैं, बस कितने लोगों के लिए बुक करना पड़ेगा, उसका खर्चा कितना आएगा, फिर हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वहां पर क्या है क्या नहीं है, वो सब भी आपको स्टडी करना पड़ेगा आप लोग जिधर जा रहे हो उधर, ठीक है। नाउ डे 1, 6 हवर्स। टीचर डियर स्टूडेंट्स नाउ वी हैव लेफ्ट
Naldur and I are on our way to Solapur. We will have our breakfast at Solapur and lunch near Sinhagad, Pune. Now all of you should observe both the sights along the roads and note down observations in notebooks with reference to these points. तो क्या क्या देख रहे हो आप लोग सब नोटबुक में आप लोग पॉइंट आउट करो रिलीफ वाटर बॉडीज वेजिटेशन सॉइल एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट सेटलमेंट पैटर्न्स तो ये सब भी टीचर ने कहा कि आप लोग नोट डाउन करो आपके बुक में डायरी में फाइल में जो भी आप लेकर आए हैं उसमें राहुल यस मैडम आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग undulating topography and somewhere in between we can find plains. कहाँ कहाँ पर पहाड़े दिखाई दे रही है कहाँ कहाँ पर जमीन plain दिखाई दे रही है we can also see some agricultural fields. और कुछ agricultural fields भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं agricultural fields यानी खेती बाड़ी वगैरह जहाँ करते हैं वो खेत भी हमें दिखाई दे रहे हैं साक्षी वी कैन सी स्मॉल सेटलमेंट्स अलोंग द रोड्स वी कैन ऑल्सो सी टी स्टॉल ढाबास पेट्रोल पंप्स एंड अदर शॉप्स और रोड के साइड्स में कुछ छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं टी स्टॉल भी दिखाई दे रहे हैं ढाबास भी दिखाई ढाबा में जहाँ पर खाना मिलता है ना इसे पेट्रोल पंप्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ शॉप्स भी दिखाई दे रहे हैं टीचर यस मीना योर ऑब्जर्वेशंस मीना मैडम आर वी गोइंग डाउन द स्लोप क्या हम लोग स्लोप में जा रहे हैं क्या टीचर करेक्ट नाउ वी आर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंजेस दे आर द ईस्टर्न ऑफ शूट्स ऑफ द सह्याद्रीज कीप लुकिंग एट द मैप गिवन टू यू एंड द टोपोग्राफी आउटसाइड You can easily see the changes occurring in the landscape. Now tell me about the settlement pattern and housing types. तो किस तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किस तरह की इन लोग की सेटलमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है किस तरह के घर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं सूरज मैडम इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड साइड द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर मेड of clay while use of mud and wood is visible in making the roofs अभी उनके जो घर है तो हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहे कि वो मिट्टी से और लकड़े से उन लोगों ने बनाए हुए है रेणुका इन दिस एरिया वी कैन मेनली सी ड्राई ग्रास ट्रीज विच हैव शेड Their leaves are visible in some places. तो हम लोग को सूखी घास दिखाई दे रही है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं टीचर गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका सच सेटलमेंट्स आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट्स वी हैव लर्न दैट इन सेवेंथ स्टैंडर्ड द हाउसेस विच यू सॉ आर कॉल्ड मड एंड वुड हाउसेस तो उसे क्या कहते हैं धाब्याची घरे ध्यान में रखना अभी ये जो लेसन है ना इसमें आप लोगों को जो बेसिक पहले के स्टैंडर्ड्स में हो गए हैं उसकी आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं इस लेसन में और इस लेसन में का सवाल आप लोग को जरूर आएगा ऐसे मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन आप लोगों के लिए जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि कॉमन सेंस के सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों को एग्जाम्स में ठीक है द वेजिटेशन आर बिलोंग्स टू द ड्राई डिसीड्यूस टाइप दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक रीजन आफ्टर सम टाइम दे रीच सोलापुर सिटी फिर लोग कहाँ पर पहुंचे सोलापुर में पहुंचे टीचर नाउ वी हैव रीच्ड सोलापुर सिटी इन अर्बन एरिया एरियाज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई अभी सोलापुर एक अर्बन एरिया है और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है वी सी मल्टी स्टोरेड हाउसेज वहाँ पर भी मल्टी स्टोरेड हाउसेज
दिखाई देते हैं. दे आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड रबल एंड वाटर. और ये जो घर है इस तरह के, ये है रोड साइड के शॉप्स, घर के दिए नहीं इन लोगों ने, ठीक है. तो थोड़े सीमेंट वगैरह यूज करके थोड़े वहां पर पक्के वाले घर हम लोगों को दिखाई देते हैं. दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स. तो ईटों का यूज करके इन्हें बनाया गया है. शॉप विथ मॉडर्न एमिनिटीज लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा आर फाउंड अलोंग द रोड्स. और जैसे हम लोग को शहरों में दिखाई देते हैं बड़े बड़े मॉल्स, बड़े रेस्टोरेंट्स, वो भी रोड के साइड में दिखाई देते हैं. स्टूडेंट्स स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ये तो सब ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ती हूँ अभी. टीचर, नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी. डियर स्टूडेंट, सी द कल्टिवेशन अराउंड. वॉट डू यू सी? ऑब्जर्व एंड टेल. अभी किस तरह का अनाज उन लोगों ने बोया हुआ है आप जरा देखिए और बताइए. Children observed the both side of the road and started writing down their observations in their notebook. This continued for a long time. और ये बहुत देर तक चलता रहा. सावित्री, मैडम, I find that the fields are greener here. When we had left Naldur, we had seen shrub crops and there was. ये देखो सब जगह पे क्या दिखाई दे रही है, ग्रीनरी ही दिखाई दे रही है, हरियाली ही दिखाई दे रही है. तो भी ये कौन बोल रही है? सावित्री बोल रही है. जब हम लोग निकले थे तभी हम लोग को सब घास, ड्राई श्रब्स वगैरह दिखे थे, क्रॉप्स वगैरह दिखे थे. सम शुगर केन, बट नाउ आई कैन सी दैट इट इज मेनली शुगर केन बींग कल्टिवेटेड हियर. और कुछ शुगर केन भी दिखे थे लेकिन अभी मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि एक्चुअली शुगर केन का जो खेती बाड़ी होती है वो यहाँ पर होती है. टीचर, करेक्ट. वेन वी हैड लेफ्ट नालदुर्ग वी हैड सीन कल्टिवेशन ऑफ मूग, उरद एंड अदर पल्सेस, बट नाउ इट इज मेनली शुगर केन. This is because of the availability of irrigation facilities. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक शुगर केन के लायक जमीन है, इसके लिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाए जाते हैं. सावित्री, yes madam, we had crossed the canal some time ago and now I can see a large reservoir here. Which is this reservoir? Which is this reservoir, madam? तो ये किस चीज का रिजर्वर है? नियर इंदापुर द टीचर आस्क्ड द बस ड्राइवर टू स्टॉप एट द साइड ऑफ द रोड. द स्टूडेंट्स गॉट डाउन इन अ लाइन एंड गैदर्ड अराउंड द टीचर्स इन अ डिसिप्लिन्ड वे. और टीचर के साथ बच्चे डिसिप्लिन में जाने लगे. टीचर, रिफर टू यूर मैप्स एज शोन देयर. व्हाट यू कैन सी टू आवर राइट आर द बैक वाटर्स ऑफ द उजनी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भीमा. याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ये, ठीक है. या तो भीमा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है या उजनी डैम कौन से रिवर पे है, तो अंडरलाइन करना इसको. दिस डैम इज मेनली यूज फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर. इट इज ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन, फिशिंग, इरीगेशन एटसेट्रा. Some students clicked pictures of the surroundings. They boarded the bus and their journey started again. फिर कुछ बच्चों ने फोटोज भी लिए और फिर लोग बस में चल गए और बस में से निकल पड़े. पूजा, मैडम, this seems to be a plain area. अभी ये जो जगह है वो बहुत plain दिखाई दे रही है. टीचर, yes, we are going through a plain region. अभी हम लोग कहाँ से जा रहे? Plain region में से जा रहे. This is a part of the Deccan Plateau itself. As we go westwards, we will notice major changes in the relief and vegetation. After few hours of journey, they left the main road near Hadapsar and turned towards Sinhagad.
There were many big and small hotels at the foothills. They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. और थोड़ा देर उन लोगों ने वहाँ पर आराम किया, खाना वाना खा लिया, आराम किया. नज़मा, I also noticed that when we left Naldurg, trees like jujube, bor, babool, etc. were visible. Anyone should be there, but here different trees are seen. अभी ये जो जुजुबी है, बोर है, बबूल है, इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती. वहाँ पर हम लोग को पेड़ कुछ अलग दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर के जो पेड़ है वो कुछ अलग ही है. टीचर गुड. While crossing Naldurg, we saw semi-arid thorny type of vegetation. तो हम लोगों ने क्या देखा नालदुर्ग में, जो थॉर्नी यानी कांटों वाले पेड़ हम लोगों ने ज़्यादा देखे. जो पेड़ में कांटे होते हैं उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. Change in type of vegetation is an indicator of change in the amount of rainfall in that area. अभी as per rainfall उस एरिया में उस टाइप के ही आप लोगों को पेड़ दिखाई देंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बबूल और बोर की जो पेड़ है उन्हें, कांटों वाले जो पेड़ है उन्हें कम पानी लगता है. वी से दैट अनजान, आयन वुड, बनियान एंड पीपल ट्रीज आर मोर इन नंबर हियर. ऑल राइट, नाउ वी हैव रीच्ड द फुट हिल्स ऑफ सिंहगढ़. अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, सिंहगढ़ के फुट हिल्स तक पहुँच गए हैं. नाउ वी विल क्लाइम टू द टॉप एंड यू विल सी द ऑफ शूट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. यू विल ओनली कैरी यूअर आई कार्ड, नोटबुक, पेन, बाइनोक्यूलर्स, कैमरा, कैप, मैप एंड वाटर बॉटल. कीप यूअर लगेज एंड अदर आइटम्स इन द बस इट्सेल्फ. सिर्फ जो जरूरत की चीजें है उतनी ही लो और बाकी का जो सामान है वो बस में ही रख दो. तो अभी आप लोगों को जब एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप क्या क्या लेकर जाने वाले हैं लगेज के अलावा, तो ये सब आपको लिखने हैं नाम. ठीक है, देखो मैंने कितना आसान कर दिया आप लोग के लिए, है ना. तो ये सब आपको नाम लिखने है. अभी ये जो है ना, आप लोग को देखने की ऐसे आदत रखनी चाहिए. इसके लिए ये लेसन रखा हुआ है आप लोगों को. अदरवाइज बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ट्रैवलिंग में बैठते हैं मोबाइल लेके और मोबाइल में गेम खेलते बैठते हैं और बाहर की जो सीन सीनरी है वो आप लोग मिस कर जाते हो. इसके लिए पेरेंट्स, अगर आप लोग भी बच्चों को कहीं लेकर जा रहे हैं घुमाने के लिए, तो उनके हाथ में बिल्कुल भी मोबाइल मत दीजिएगा. थोड़ी देर के लोग गुस्सा करते हैं थोड़ी देर के लिए, अरे ऐसे आप लोग बोरी करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो. लेकिन जब वो लोग एक बार देखने लगते हैं ना बाहर की सीनरी, तो वो लोग बोलेंगे आहा क्या सीनरी है. क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे बच्चों को मैं ऐसे ही करती हूँ. मैं देती ही नहीं हूँ मोबाइल वगैरह, अभी उनको आदत ही हो गई है. अभी बाहर जाते हैं तो वो लोग खुद ही नहीं मांगते मोबाइल, अभी उन लोग को आदत पड़ गई है बाहर की सीनरी देखने की. तो आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है. When they started climbing the Sinhagarh fort, it was. अभी पन्ना पलटने के पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है शुगर केन फील्ड, ठीक है, और ये है उजानी डैम रिजर्वर, ठीक है, जहां पर ड्रिंकिंग वाटर जो प्यूरिफाई करके उन्हें भेजा जाता है. और ये है ट्रीज, टाइप्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, जिधर जैसे बारिश गिरती है उस टाइप के जो ट्रीज है वहां पर आते हैं. क्वाइट सनी एट फर्स्ट, देन इट बिकेम क्लाउडी. Later, it also started drizzling and students enjoyed eating steamed groundnuts, buttermilk and curd on the way. They clicked photographs of various physical features, the vegetation around birds and aerial view of Pune city and the various structures of the fort
Afterwards, teacher asked them to gather at one place. फिर सबको टीचर ने एक जगह पे जमा होने के लिए कहा. ये जो ब्यूटी थी वो सबका नज़ारे का भी लुत्फ़ उठाया बच्चे लोगों ने, और ग्राउंड नट्स भी खाए, बटर मिल्क भी पिया, कर्ड भी एंजॉय किया उन लोगों ने. ठीक है टीचर, वी हैव नाउ रीच द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़, हाउ विल यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. तो अभी आप लोग इसमें से जानकारी किस तरह से कलेक्ट करोगे. नेहा, मैडम वी सॉ अ बोर्ड एट द एंट्रेंस विच गेव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंहगढ़ फोर्ट. वी हैव ऑल्सो क्लिक्ड इट्स पिक्चर. तो नॉर्मली जब हम लोग ऐसी जगह पे विजिट करने जाते हैं तो बाहर एक बोर्ड लिखा हुआ रहता है जो हम लोग इग्नोर करते हैं नॉर्मली, लेकिन हमें इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए. उन बोर्ड्स को हमें पढ़ना चाहिए ताकि उन बोर्ड्स में हम लोग को उसके बारे में जो भी जगह हम लोग गए हैं, जहाँ भी हम लोग गए हैं, वहाँ की सारी जानकारी हम लोगों को उस बोर्ड में मिलती है. ठीक है टीचर, गुड नेहा. Now, who will tell the differences in the relief features now? Kasim, madam, we can see that now the undulating plains have turned into rugged topography with hills. This is a high hill. We are at a higher altitude and hence can even experience clouds. अभी इसके पहले वो लोग प्लेन्स में थे, अभी जैसे जैसे वो लोग ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं अभी वो लोग हाइट पर आ गए हैं और उन लोगों को अभी क्लाउड्स भी बहुत नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं. टीचर, वेरी गुड कसिम. यू कैन नोटिस मेनी फिजिकल फीचर्स लाइक रॉक, पिनेकल्स, वैलीज एंड हिल्स एंड लेयर्स फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन. हैव यू रिकॉग्नाइज द रॉक फाउंड हियर? You might have seen some debris of landslides at places while climbing. Now tell me about the agriculture pattern around. अभी ये जो है सिंहगढ़ का ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, इसमें जानकारी दी गई है और ये है रॉक्स डेब्रीज. देखो और ये है खड़कवासला डैम एज सीन फ्रॉम सिंहगढ़. सिंहगढ़ में से दिखाई देता है खड़कवासला डैम. ठीक है राहुल, मैडम दिस इज अ बेजल्ट एन इग्नियस टाइप ऑफ रॉक. वी हैड लर्न अबाउट इट इन क्लास 6. जैसे मैंने कहा था आप लोगों के जो पहले आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो रहा है आप लोग का. मैरी, वी सॉ मेनली पल्सेस बीइंग कल्टिवेटेड एट द प्लेस वेयर वी लिव बिटवीन सोलापुर टू पुणे. वी सॉ sugar cane. Now we see mainly paddy fields. Teacher, correct. It is because of the good amount of rainfall here. Can you recall seeing a similar fort like structure before? What difference do you see between both of them? Wahida, madam, we can compare this with the Naldurg Fort itself, but it is not situated on a hill like Sihagarh. We do not have to climb up a slope to see it. तो difference बताया है, सिंहगढ़ height पे है, नालदुर्ग का जो fort है वो plain में है, plains पे है. Teacher, very good. Now we have reached the top of the fort. This is a hill fort as it has been built on a hill. This was built with a view of security and to keep an eye on the surroundings. Naldurg is the fort on the land. All such forts are the heritage of our state. अभी ये जो height के ऊपर जो forts वगैरह होते थे
हाइट के ऊपर क्यों रखते थे फोर्स, ताकि जो चारों बाजू में जो दुश्मन अगर आ रहा है उसके ऊपर नजर रखी जा सके, इसके लिए हाइट में फोर्ट रखते थे। हाइट पर भी फोर्स रखना बहुत जरूरी होता था। कम हियर एंड लुक डाउन द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द रिजर्वर ऑफ द खड़कवासला। मैंने यहाँ पर दिखाया ना आप लोग को खड़कवासला, आई थिंक ये है वो खड़कवासला का डैम जो फोर्ट से दिखाई देता है। और यहाँ पर है लेयर्स ऑफ रॉक, जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों के ऊपर तो इस तरह के रॉक के लेयर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। खड़कवासला डैम विच सर्व्स वाटर टू एरियाज इन एंड अराउंड पुणे। नाउ वी विल गो टू द कल्याण दरवाजा गेट। कम हियर एंड सी दिस स्ट्रक्चर। एक कल्याण दरवाजा, जो किले का कल्याण दरवाजा है, वहां पर वो लोग गए देखने के लिए। दिस इज कॉल्ड देवटाक सेक्रेड टैंक। वाटर कमिंग फ्रॉम द नेचुरल स्प्रिंग गेट्स स्टोर्ड हियर। जो नेचुरल स्प्रिंग में से पानी आता है वो वहां पर जमा होता है। इवन टुडे इट सर्व्स वाटर ऑल द ईयर अराउंड द पीपल हु स्टे एट द फोर्ट अबोव। तो वहां पर जो फोर्ट पर जो भी लोग रहते हैं आज भी उन लोगों को वही वहां से ही पानी मिलता है। और स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, ओ माई गॉड हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सीन सेंचुरीज। इतने सालों तक, कितने सेंचुरीज तक आज भी यहाँ पर इतने अच्छे से वाटर सप्लाई होता है। द टीचर टुक देम टू अ स्टॉल विच सर्व्ड पिठलं भाकरी। पिठलं भाकरी आप लोगों ने पता नहीं, कुछ बच्चों ने खाया नहीं होगा शायद। पिठलं जो चने अनियन मिर्ची अदरक लहसुन वगैरह डाल के, और भाकरी ज्वारी की बाजरे की जो भी होती है चावल की भाकरी बनाई जाती है, रोटी के जैसी होती है वो। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट देयर वेयर मेनी सिमिलर स्टॉल्स। तो उस तरह के स्टॉल्स वहां पर नॉर्मली दिखाई देते हैं। टूरिस्ट वेयर बीइंग सर्व्ड डिफरेंट फूड आइटम्स देयर। अभी जिस जगह पे हम लोग जाते हैं वहां पर उस टाइप की फूड आइटम्स जब हम लोग को मिलती है खाने के लिए, तो एक बार तो हम लोग को टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है उस समय में। आफ्टर स्पेंडिंग लिटिल टाइम एट सिंहगढ़ फोर्ट स्टूडेंट कम केम डाउन द फुट हिल्स एंड बोर्डेड द बस। द बस स्टार्टेड टूअर्ड्स पुणे सिटी वेयर दे हैड एन ओवरनाइट हॉल्ट। अने वहाँ पर वो लोग पूरा रात उधर ही रुके पुणे सिटी में। इन द सिटी दे हैड इवनिंग स्नैक्स एंड टी एंड गॉट टू रेडी टू रूम इन द मार्केट्स। फिर वो लोग कहाँ पर गए, नाश्ता पानी वगैरह किया, फिर मार्केट के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, मार्केट में भटकने के लिए, रोम इन द मार्केट्स। तो मार्केट में घूमने के लिए वो लोग निकल गए। टीचर, हाँ ये देखो ये है देवटा जहाँ हमेशा पानी रहता है, ठीक है। और ये है पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। हाइट हाइट में जैसे ऐसे प्लेन मिलता है उन लोग को, वैसे वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। टीचर वी विल बी विजिटिंग प्लेस इन पुणे लाइक शनिवार वाड़ा, द फेमस मार्केट प्लेसेस लाइक तुलसीबाग एंड महात्मा फुले मंडई। मंडई यानी मार्केट। देर आर होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स हियर, यू कैन डू शॉपिंग हियर। मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल योर ऑब्जर्वेशन। तो आप लोग को जो जो खरीदारी करनी है यहाँ पर आप लोग करो, और आप लोगों ने क्या क्या देखा है, क्या क्या देख रहे हो, आप नोट डाउन करना भूलना मत। आफ्टर द सिटी टूर दे हैड डिनर एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर नाइट हॉल्ट। तो जहाँ पर उनको खाना वाना खा लिया उन लोगों ने, फिर जहाँ उनको रुकना था वहाँ पर वो चले गए। डे टू 7 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीडेड टू अलीबाग।
फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग अलीबाग की ओर निकल पड़े। आई थिंक ये जो है ये है पिठला जो बेसन के आटे का बनाते हैं, और ये है भाकरी, ये होती है लहसुन की चटनी, और ये है अनियन। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे ही फूड वो लोग देते हैं खाने के लिए वहाँ पर। टीचर, नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, कैन यू सी द चेंज इन द रिलीफ अगेन, वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावला। अभी कार रुकने लोग राजमाची पॉइंट पर। तुषार, यस मैडम, इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड वी कैन सी हिली रीजन्स ऑल अराउंड। हमारे आजू बाजू में सब हिल्स दिखाई दे रहा है, हिली रीजन दिखाई दे रही, पहाड़ी ही पहाड़ी दिखाई दे रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस, और अभी घर जो है वो कम कम दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। हम लोग को ऐसे लग रहा है ना कि जैसे हम लोग ही इन लोग के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन हम लोग के दिमाग में भी चल रहा है। आफ्टर लोनावाला दे स्टॉप्ड एट राजमाची पॉइंट एंड द टीचर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर्स। टीचर, दीज आर द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वी कॉल दीज हिली एरियाज सह्याद्रीज टू। From here, you can observe the difference in slopes, the gentle slope to the east and the steep slope to the west. यानी थोड़ा सा जो स्लोप हमें दिखाई देता है वो ईस्ट में दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा स्लोप कहाँ पर दिखाई देता है, वेस्ट में। Towards the west, you can see many cliffs and waterfalls about which you have learnt in class 9. This region is also the source of River Ulhas, a major west flowing river. ठीक है, the students took photographs of these features. It started raining again and their journey resumed. Namdev, looking at the map, madam, we are crossing the ghat section and now are we going to Khopoli? Abhi hum log ghat section mein se Khopoli tak ja rahe hai kya? Teacher, correct Nandev, this is known as the Bhor or Khandala Ghat in the Western Ghat. We will now enter the western coastal plains of India. Observe the trees, soil and houses that you see. Shiv, madam, we can see dense forest comprising of thick vegetation in the ghats. We can see trees with broad leaves. We had seen such trees in the Sinhagar region too. इस टाइप के जो पेड़ थे घने वो सिंहगढ़ में भी दिखाई दिए थे। टीचर, these are the teak trees. This region is a region of deciduous trees. There are many vanrais and devrais, woodlands and sacred groves. After crossing the ghats, the dense forest becomes sparse, paddy fields and huge industrial estates were now visible. अभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स वहाँ पर हमें दिखाई देने लगे हैं। नजमा, मैडम, आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर, इट इज गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड परस्पिरिंग। टीचर, यू फील द चेंज इन द एयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर, वी स्टार्ट perspiring and skin becomes sticky as we go near the sea, this will increase. तो हम लोग जो समंदर के आसपास में रहने वाले लोग हैं, हम लोग को जो normally ये जो humidity की वजह से पसीना ज़्यादा आता है ना,
तो जैसे जैसे हम लोग समंदर के नज़दीक जा रहे हैं, अभी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो उन लोगों को पसीने भी आने शुरू हो जाते हैं। नांदियो मैडम, इट वॉज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम्स टू बी मोर, इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो बारिश आ रही है इसके कारण शायद ये जो एटमॉस्फेयर इस तरह का हो गया है। टीचर, नामदेव करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी दिस हैपन्स, ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज द मेजर क्रॉप हियर। सून वी विल रीच द सी, कैन यू नेम द सी। अभी हम लोग समंदर के नज़दीक जा रहे हैं, क्या आप लोग समंदर का नाम बता सकते हो? ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर, द अरेबियन सी। टीचर, गुड, आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू अवर लॉजेस वी विल विजिट द तलाठी ऑफिस, यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनियर यू हैव प्रिपेयर्ड इन द स्कूल। जो सवाल तुम लोगों ने स्कूल में तैयार किए थे उसके जवाब लेने के लिए हम लोग तलाटी के पास जाते हैं। उर्मी, वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सॉइल टाइप्स कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स, वी आर आस्किंग हिम हाउ लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड इन हीज हर ऑफिस, लैंड अंडर इरीगेशन वाटरशेड प्रोग्राम्स एंड अदर ऑक्यूपेशन इन द विलेज। तो ये सब के बारे में ये लोग सवाल पूछने वाले हैं तलाठी से। ये है राजमाची, ये है वाटरफॉल इन सह्याद्रीज। देखो कितना ब्यूटीफुल, रेनी सीजन में अगर तुम लोग गए ना इस जगह पे, बहुत यानी पूरा पैसा वसूल है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैंने देखा है, मैं गई हूँ वहाँ पर। अगर आपको मौका मिलेगा तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है? लेकिन क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वेदर सही होना चाहिए, नहीं तो पता चला आंधी तूफान आ रहा है और गए सब जन। हाँ, टीचर ने बोला था जाके देखने के लिए, ऐसे मत बोलना फिर। इसके लिए सब क्लाइमेट देख के ही जाना होता है सब जगह पे, ओके? ये है देवराई, जहाँ पर टेम्पल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। और ये है वनराई, यहाँ पर पेड़ ही पेड़, हरियाली ही हरियाली, ब्यूटी ही ब्यूटी भरी हुई है वहाँ पर, ओके? दे रीच्ड अलीबाग इन द आफ्टरनून एंड देन विजिटेड द तलाटी ऑफिस, दे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चनर्स। तो जो उन लोगों ने सवाल पूछने का डिसाइड किया था, उन लोगों ने पूछा और वो लोग आए वापस। ये क्या है भाई? टीक ट्रीज है। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच वी विल गो टू द सी कोस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन है जो फर्स्ट टाइम समंदर देख रहा है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रेज देयर हैंड्स। तो ज्यादा से सब बच्चों ने ही उनके हाथ ऊपर किए। अबीरा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट अ ब्रेकिंग ब्रीद टेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी द सी, व्हाट विल इट लुक लाइक और विल देयर बी जस्ट वाटर। तो बेचारी सोच रही है कि कैसी होगी सी, बहुत एक्साइटेड है समंदर देखने के लिए। टीचर, ट्रू अबीरा, वी विल विजिट द बीच नाउ, वी हैव ऑलरेडी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन देयर। उन लोग को सबको प्रिकॉशंस दिए गए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि क्या क्या प्रिकॉशंस उन्हें वहाँ पर लेने हैं। We will also visit a fort called Kulaba or Alibag Fort here. We will have to take into account the timing of the high and low tides as this is little away from the coast in the sea. We have studied the work of sea waves in class 9. We will also identify some of the landforms formed by sea waves. Can you name some of them?
तो ये जो 9 साल में आप लोगों को सिखाया गया था कि समंदर में देखो आपको पता है हाई टाइड होता है लो टाइड होता है, तो जब भी कभी हम लोग किसी बीच पे वगैरह जाते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हाई टाइड और लो टाइड के, तो उसे हम लोग को देखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। समंदर और पानी के साथ बिल्कुल भी मस्ती नहीं चलती है, ठीक है। और उसके बारे में आप लोग को 9 स्टैंडर्ड में जानकारी मिल गई है, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट टुगेदर, बीच सी केव्स वेव कट प्लेटफॉर्म्स सैंड बार्स, टीचर गुड यू रिमेम्बर देम वेल। दे विजिटेड द बीच एंड द फोर्ट, सम ऑफ देम ऑल्सो एंजॉयड सिटिंग ऑन हॉर्स ड्राइवन कैरियट्स एंड सम ऑफ देम एंजॉयड हाउस राइड्स। अभी उस जगह पे आप लोग जब जाते हैं ना तो आप लोगों को घोड़ा गाड़ी मिलती है, और किसी किसी को घोड़े के ऊपर बैठना होता है, हॉर्स राइडिंग करना होता है, तो हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। नेहा, मैडम दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू, लेकिन ये जो फोर्ट है वो पहले दो फोर्ट से बहुत अलग है। टीचर गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम, क्या डिफरेंस है दोनों में। नेहा, यस मैडम दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर वाइल अदर टू वेयर ऑन लैंड। ये जो फोर्ट है वो पानी में बनाया हुआ है, जो बाकी के जो दो फोर्ट थे उन्हें जमीन पर बनाया हुआ है। टीचर गुड दिस फोर्ट इज बिल्ड ऑन अ वेव कट प्लेटफॉर्म, तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाया है। वेव कट प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द सी वाटर, इट इज कॉल्ड अ सी फोर्ट। अर्लियर दीज फोर्ट्स वेयर बिल्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सीज, देर आर मेनी सच फोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि जो शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने ये समंदर के ऊपर फोर्ट्स बनाए हुए थे, क्यों बनाए थे, क्योंकि जो पुर्तुगीज थे वो लोग समंदर के, मुगल और जो पुर्तुगीज थे वो लोग समंदर के रास्ते से हमारे महाराष्ट्र में आकर कब्जा करना चाहते थे, तो उन लोगों से बचने के लिए शिवाजी महाराज ने समंदर में फोर्ट्स बनाए हुए थे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ कुछ, याद आया ना, गुड। नेहा, यस आई हैव हर्ड नेम्स लाइक सिंधुदुर्ग जंजीरा अर्लियर, वेरी गुड। आप लोग को भी याद आ ही गए होंगे ये नाम। टीचर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड, कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर। अभी यहाँ पर के जो लोग हैं वो लोग क्या बिजनेस करते हैं, क्या व्यापार करते होंगे। राहुल, मैडम फिशिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ द ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर, तो यहाँ पर समंदर है तो नॉर्मली फिशिंग तो वो लोग करेंगे ही और एग्रीकल्चर यानी खेती करेंगे। टीचर करेक्ट राहुल, टू विच कैटेगरी डू दीज ऑक्यूपेशंस बिलोंग, तो ये जो ऑक्यूपेशंस किस कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं। अभी यहाँ पर है देखो टीक ट्रीज है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ देवराई, वो तो हम लोग ने पीछे देखा ना, और ये है कुलाबा फोर्ट, यानी ये जो समंदर के जो बीच में हमें दिखाई दे रहा है वो है फोर्ट, ठीक है। मीना, मैडम दीज आर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, तो ये जो है उनके मेन ऑक्यूपेशंस है। टीचर ट्रू, इनिशियली फिशिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, लेटर ऑन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन बट अवे फ्रॉम द शो, कोकोनट बिटल नट जैक फ्रूट्स बनाना एंड सम स्पाइसेस आर कल्टिवेटेड इन द कोस्टल प्लेन्स, दिस इज हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग, टुडे टूरिज्म हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर। ये सब तो ये लोग ऑक्यूपेशन करते ही है, प्लस टूरिज्म भी एक मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ पर, क्यों। टूरिज्म में जो बाहर के जो लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, या बाहर के जो घूमने वाले लोग वहाँ पर आते हैं, उन लोगों
वो लोग वहाँ पर जो चीज़ें खरीदते हैं तो वो भी उन लोगों का एक ऑक्यूपेशन है। तो लोग आते हैं उनसे चीज़ें खरीदते हैं। आफ्टरवर्ड स्टूडेंट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग ऑन द सैंड ऑन द बीच एंड कैप्चर्ड ब्यूटीफुल ग्लिम्सेस ऑफ द सनसेट इन देयर कैमराज। आफ्टर सनसेट दे केम टू देयर लॉजेस। दे डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंपाइल देयर फील्ड विजिट रिपोर्ट। आफ्टर रिटर्निंग टू देयर लॉज दे हैड डिनर एंड रेस्टेड फॉर द नाइट एट अलीबाग। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर देयर रिटर्न जर्नी। और इस तरह से हम लोग भी घूम फिर कर आ गए हैं अपनी जगह पे, अपने अपने घरों में। ठीक है, आप लोगों ने घूमे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो सब घूम के आई हूँ और मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ अभी। ठीक है, और इस तरह से ये जो अभी इन लोगों ने पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, ये आपको सवाल आएगा एग्ज़ाम में कि आप लोग क्या क्या तैयारी करके जाओगे वो सब। तो अभी आप लोग अगर ये लेसन देख लेते हो ना एक बार जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आप लोग को बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, और एक बात ये है कि आप लोगों को जो अदर सब्जेक्ट में जैसे हिंदी मराठी में मेरा जो अविस्मरणीय यात्रा, मेरी अविस्मरणीय यात्रा यानी जहाँ पर मैंने ट्रैवलिंग किया हुआ था, तो ये जो है ना ये सारे पॉइंट्स उसमें आप लोग लिख सकते हो, है क्या नहीं। तो अच्छे से आप लोग का निबंध भी बन जाएगा इस पे। तो एक नॉलेज का मल्टीपल यूज़ होता है भाई, खाली हमें यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर इस तरह से मैंने आप लोगों को सब एक्सप्लेन कर दिया है। आगे तो इसमें सवाल उसी तरह के दिए गए हैं जो मैंने आप लोगों को कहा था, जिसमें आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए एंड बाय बाय।